Hello, students. Today, in this video, we will continue the chapter The Diary of a Space Traveler. In our previous video, we have studied that Professor Shanku was going in space uh, to travel Mars, the planet Mars, and he wanted to know whether life is uh, possible there or not. And uh, his robot, whose name is Bindu Shekhar, and his servant Prahlad, his cat Newton, they were all विद हिम नाउ लेट स्टडी हे द डायरी ऑफ 11 जनवरी ऑफ प्रोफेसर शंकू हे ही सीज आई डिसमेंटल बिंदु शेखर टुडे एग्जामिन ऑल द मशीनरी फिटेड इन साइड हिम प्रोफेसर कहते हैं कि आज मैंने बिंदु शेखर जो उनका रोबोट था उसके सारे पीसेज अलग अलग किया डिसमेंटल सारे पीसेस जो अलग अलग कर देना और उसके सारी मशीनरी जो थी उसको सारा एग्जामिन किया स्टिल आई कूडेंट फाइंड एनी रीजन फॉर इज ग्रोनिंग प्रोफेसर कहते हैं कि फिर भी मुझे कोई ऐसी रीज़न नहीं मिली कि वो तरह तरह की आवाज़ें क्यों निकाल रहा था ग्रोनिंग मिस आवाज़ निकालना बट देन आई हैव नोटिस बिफोर दैट मैन आई मेक एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ऑल माई साइंटिफिक स्किल ऑफ इट स्टार्ट डूइंग थिंग्स आई हैड नॉट बार्गेन फॉर फिर वो कहते हैं कि मैं नोटिस करते हैं कि जब भी मैं कोई भी चीज़ बनाता हूँ अपने साइंटिफिक स्किल से तो वो कुछ ऐसी चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं होना जिनके मैंने जिनको मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था बार्गेन फॉर मिन एक्सपेक्ट बट कुड दैट रियली बी ट्रू बट क्या ये बात सही है रीजन यही हो सकता है वो कहते हैं पर द फुल एक्सटेंट ऑफ माई ओन पार्स फिर कहते हैं प्रोफेसर की शायद मुझे अपनी पावर्स का एक्सटेंट मुझे नहीं पता कहाँ तक लिमिट है आई फील एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अट्रैक्शन टूवर्ड्स आउटर स्पेस मुझे आउटर स्पेस यानी स्पेस से एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अट्रैक्शन है कुछ खासा लगाव दिस अट्रैक्शन बिगेन वेन वन नाइट आई वॉज सिटिंग इन द गार्डन एंड वॉचिंग शूटिंग स्टार्स अब वो कहते हैं ये अट्रैक्शन तब स्टार्ट हुई जब एक बार रात को मैं अपने गार्डन में बैठा था और शूटिंग स्टार्स को देख रहा था सडनली आई रियलाइज दैट वन स्टार अपियर डिफरेंट फ्रॉम द अदर तभी मैंने महसूस किया कि एक स्टार जो था बाकी सब स्टार से अलग था इट वॉज गेटिंग लार्जर एंड इट सीम टू बी कमिंग डाउन टूवर्ड्स मी ये बड़ा दिख रहा था बाकी स्टार से और ऐसा लग रहा था मेरी तरफ आ रहा है केम डाउन एंड हंग इन मिड एयर लाइक अ ह्यूज अजरफ्लाई नेक्स्ट टू अ फ्लारिंग गुलचन्ना सॉरी गुलंचर ट्री द स्टार केम डाउन स्टार नीचे आया एंड हंग इन मिड एयर ऐसा लग रहा कि बीच में हवा में ही फिक्स हो गया और लटक रहा था और किसके सामने के कि जो एक गुलंचर ट्री है उसके सामने इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी साइट ये बहुत ही अद्भुत दृश्य था आई वुड हैव डिसमिस द होल एक्सपीरियंस एज ए ड्रीम ऐसा लग रहा था कि मैं इसको एक सपने की तरह भूल जाता बट आई कैन नॉट डू सो फॉर टू रीजन्स पर ऐसा नहीं कर सकता द फर्स्ट इज द अट्रैक्शन ऑफ़ फॉर आउटर स्पेस दैट आई बिगेन टू फील इट प्रोमटेड मी टू थिंक ऑफ बिल्डिंग अ रॉकेट क्योंकि सबसे पहली बात तो मैं इसे नहीं भूल सकता था क्योंकि मेरे एक अलग तरह का अट्रैक्शन था आउटर स्पेस की तरह और इसी वजह से मैंने एक रॉकेट बनाने के बारे में सोचा द अदर इज़ दैट गुलंचा ट्री और दूसरा रीज़न क्या था गुलंचा ट्री द नॉर्मल फ्लावर्स ऑन दैट ट्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड वर वी रिप्लेस बाई न्यू पिक्यूलियर फ्लावर्स अब उस पर जो ट्रीज पर गुलंचा जो ट्री है उसके ऊपर जो फ्लावर्स होते हैं वो सुबह गायब हो जाते हैं और नए उन पर फूल आ जाते हैं द petals ऑफ ईच फ्लॉर्स आर स्प्रेड आउट लाइक द फिंगर्स ऑन ए ह्यूमन हैंड और हर फ्लावर की जो पत्तियाँ थी पीटल्स थी पंखुड़ियाँ थी वो एक फिंगर हमारे हाथ की जो फिंगर्स की तरह खुल जा रही थी दे लुक बैक दे लुक ब्लैक इन द डे लाइट दिन के समय वो ब्लैक दिखती है बट एट नाइट दे ग्लो और रात को वो चमकती है एंड इन द ब्रीज ईच हैंड सीम्स टू बैक एंड हेम और और ऐसा लगता हवा में ये मेरी तरफ इशारा कर रही हैं नाउ प्रोफेसर शंकुज डायरीज ऑफ़ ट्वेंटी वन जनवरी वी लेफ्ट अर्थ सेवन डेज अगो हमने अर्थ को सात दिन पहले छोड़ दिया था और फूड सप्लाई शुड लास्ट अस फाइव ईयरस हमारा फूड जो हम साथ लेके आए थे वो पाँच साल तक चल सकता था यानी पाँच साल तक हम जिंदा रह सकते थे स्पेस में न्यूटन डजेंट हैव टू बी फेड मोर देन वंस अ वीक न्यूटन को हफ्ते में एक बार से ज़्यादा खिलाने की जरूरत नहीं थी वन फिश पिल इज गुड इनफ फॉर हिम टू लास्ट सेवन डेज एक फिश पिल फिश पिल इज स्पेशल टैबलेट है कि वो उसके लिए एक काफ़ी थी सात दिन के लिए फॉर प्रहलाद एंड माई सेल्फ आई हैव टेकन द स्पेशल पिल प्रहलाद जो मेरा सर्वेंट है उसकी और अपने लिए मैंने स्पेशल पिल ली थी वन टाइनी पिल कीप हंगर एंड थर्स एंड बेव फॉर ट्वेंटी फोर आवर्स एक छोटी सी पिल चौबीस घंटे के लिए हमें भूख प्यार से दूर कर सकते थे आई हैव टेकन टू लैक पिल्स विद मी मैं अपने साथ दो लाख पिल लेके आया था न्यूटन वॉज रेस्टलेस ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज पॉसिबली बिकॉज ही वॉज नॉट यूज टू बींग इन ए कन्फाइंड स्पेस कुछ दिनों तक तो न्यूटन ऐसा लगा न्यूटन जो उसकी कैट थी वो रेस्टलेस फील कर रहा थी क्योंकि उसे शायद आदत नहीं थी कि एक कन्फाइंड स्पेस uh, मतलब एक बंधा हुआ स्पेस में रहने की उसको आदत नहीं थी सिंस यस्टरडे हाउ हावर ही है कल से वो मुझे देख रही थी यानी कल से, प्रोफेसर कहते हैं कि कल से वो मेरे डेस्क पर जो विंडो साइड से था वहां पर बैठी हुई बाहर देख रही थी द स्काई लुक्स टोटली ब्लैक बट देर आर एंडलेस ब्राइट लिमिनियस स्टार्स एंड प्लान न्यूटन लुक्स एट दीज एंड स्विचेज टेल एट टाइम्स स्काई बिल्कुल ब्लैक दिख रहा था लेकिन बहुत सारे अनगिनत चमकते हुए स्टार्स और प्लानट्स दिख रहे थे न्यूटन लुक्स एट दिस न्यूटन उनकी तरफ देखती है और अपनी पूँछ हिलाती है कई बार ल्यूमिनस स्टार्स ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर साइंस सब्जेक्ट ल्यूमिनस दैट हैव देयर ओन लाइट ओके पर हैव्स दोज प्लैनेट्स स्ट्राइक हिम एज आईज ऑफ काउंटलेंस अदर कैट्स ऐसा लग रहा था. कि वो सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं न्यूटन को ऐसा लग रहा था कि वो दूसरी अलग कैट्स की आँखों की तरह दिख रही थी उसको बिंदु शेखर हैज़ नथिंग टू डू बिंदु शेखर को इन सब चीज़ों से कुछ लेना दे नहीं था ही जस्ट सिट्स क्वाइटली इन ए कॉर्नर वो बस एक कॉर्नर में बैठा हुआ था इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेल फ्रॉम इज राउंड एक्सप्रेशन लेस आई वेदर ही एज अ माइंड और कैन फील एन इमोशन अब भाई वो तो रोबोट था तो इसलिए इम्पॉसिबल था बताना कि उसकी जो राउंड आंखें घूम रही थी जिनमें कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे कि उसे कैसा फ़ील हो रहा था ये बताना बहुत मुश्किल है प्रहलाद अपीयर्स टू फील एब्सोल्युटली नो इंटरेस्ट इन द सीनरी आउटसाइड प्रहलाद को भी कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था बाहर की सीनरी देखने में ही जस्ट सिट्स एंड रीड्स वो बस बैठा हुआ और पढ़ रहा था कुछ पढ़ता रहता है थैंक गुडनेस आई टॉट इम टू रीडर प्रोफेसर से अच्छा हुआ मैंने उसको पढ़ना लिखना सिखा दिया था ट्वेंटी एट जनवरी की डायरी अब आगे आई एम टीचिंग बिंदु शेखर टू स्पीक आई आस्कु शेखर हाउरउटली वॉट ही वॉज ट्राइंग टू से मैं बिंदु शेखर को uh, बोलना बिंदु शेखर टू स्पीक उसे बोलना सिखा रहा था आज मैंने बिंदु शेखर से पूछा तुम्हें कैसा लग रहा है वो ताली बजाते हुए कहता है गो गो इसका मतलब वो कह रहा है गुड गुड टुडे द प्लैनेट मार्स इज लुकिंग एज बिग एज ए ग्रेप फ्रूट आज प्लैनेट मार्स कैसा लग रहा था बड़ा सा ग्रेप फ्रूट वी विल गेट देयर इन अनदर मंथ हम अगले महीने वहाँ पहुँच जाएंगे दिस मॉर्निंग आई सडनली बिकेम अवेयर दैट बिंदु शेखर वॉज एक्चुअली ट्राइंग टू सिंग आज सुबह मुझे ऐसा लगा कि जैसे बिंदु शेखर गाना गाने की कोशिश कर रहा है ही वॉज ट्राइंग टू अटर द वर्ड्स ऑफ ए सॉन्ग आई हैड बीन हमिंग अ फ्यू डेज अगो आई वॉज अमेज ये कुछ वर्ड्स वो गाने के गा रहा था जैसे आई हैड बीन हमिंग अ फ्यू डेज अगो मुझे बड़ी हैरानी हुई बिंदु शेखर प्रनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स लेफ्ट मच टू बी डिजायर्ड इट्स ट्रू बट इज मेमोरी वॉज ट्रूली रिमार्केबल अब यहाँ कहते हैं प्रोफेसर शंकु कि बिंदु शेखर के जो प्रनाउंसिएशन थी वो वर्ड्स लेफ्ट मस्ट टू भी डिजायर बहुत कुछ समझा रही थी लेकिन ये भी सच है कि उसकी जो मेमोरी है वो बहुत शार्प थी इज द चैप्टर वी कंटिन्यू कस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो इफ यू लाइक और यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर प्लीज डोंट फॉर टू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू